दुश्मनी वहीं तक हो जहां तक कारोबार पर असर ना हो, रूस और अमेरिका दोनों यही मानते भी हैं। महायुद्ध के बीच रूस अब अमेरिका की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका है। दरअसल हालात ऐसे हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन ना कह दे तो अमेरिका में अंधेरा छा जाए। ऐसे में सवाल यह है कि जो अमेरिका पुतिन के सामने इतना मजबूर है, वो ज़ेलेंस्की को धोखा क्यों नहीं देगा? युद्ध की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट। अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक हो गया। बाइडेन ने मिला लिया पुतिन से हाथ। ज़ेलेंस्की को अब नहीं मिलेंगे अमेरिका से हथियार। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यह खबर एक बार की चौंकाती है, सोचने पर विवश करती है। अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी क्या अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस की दया पर निर्भर है? लेकिन सच तो यही है, एयर डिफेंस सिस्टम और टैंकों की खेप यूक्रेन पहुंचाने वाला अमेरिका परमाणु पावर में कितना उत्पन्न है, इसे डिटेल में समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, वही रूस और अमेरिका की अदावत दुनिया को पता है। लेकिन अमेरिका और रूस के बीच यूरेनियम को लेकर सालों से चल रही सौदेबाजी हर किसी को हैरत में डाल देने वाली है। आज की तारीख में अमेरिका की आधे से अधिक पावर कंपनियों को चलाने के लिए रूस की परमाणु एजेंसी से अरबों डॉलर का ईंधन खरीदना पड़ रहा है। क्यों मजबूर है अमेरिका? क्यों चुका रहा है रूस को $1 अरब? क्यों रूस बंद कर दे यूरेनियम की सप्लाई तो बंद हो जाएंगी अमेरिका की पावर कंपनियां? रूस आखिर क्यों सप्लाई कर रहा है अपने दुश्मन देश को यूरेनियम? अमेरिका फंस गया है यूक्रेन के युद्ध, लेकिन उसकी अपनी बुनियादी जरूरत भी है जिसे पूरा करने के लिए उसे रूस का रुख करना ही पड़ेगा। यह अमेरिका की मजबूरी है, इसे डिटेल में समझिए। अमेरिका रूस की परमाणु एजेंसी से हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपए का परमाणु ईंधन खरीदता है। यही नहीं, अमेरिका की परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता पहले से और बढ़ने वाली है। मतलब रूस से अमेरिका को कारोबारी रिश्ते रखने ही होंगे। सवाल है, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि अमेरिका पावर के लिए पुतिन पर निर्भर करे? इसे विस्तार में समझना होगा, क्योंकि परमाणु ईंधन के बिना अमेरिका का चकाचौंध अंधेरे में गुम हो जाएगा। अमेरिका जिसकी ताकत के दम पर ही ज़ेलेंस्की युद्ध में अपनी जिद पर अब तक अड़े हैं। अमेरिका जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की कोई भी कंपनी यूरेनियम का उत्पादन नहीं करती। ऐसे में रूस से सौदा करना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए सजा के तौर पर रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदना बंद कर रखा है, लेकिन यूरेनियम खरीद को बंद नहीं कर सका, क्योंकि इससे अमेरिका खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। अमेरिका अपनी जरूरतों को पुतिन के सप्लाई ईंधन से पूरा कर रहा है, लेकिन याद कीजिए, ये वही अमेरिका है जो बार बार कहता है कि रूस के खिलाफ जितने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं उतना अच्छा। रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोप में ऊर्जा संकट की
तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। यूरोप पुतिन के गैस पर ही सर्दियों में गर्म रहता है, तो बाइडेन यूरोप को तो ये क्लियर कर रहे हैं कि अपने हितों को मौत देकर यूक्रेन युद्ध को जिंदा रखो। और दूसरी ओर बाइडेन चुपचाप रूस से परमाणु ईंधन का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके हित में है। सच है कि दोस्ती और दुश्मनी देशों के हितों के तराजू पर तौले जाते हैं और अमेरिका यही कर रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका खुद इसका समाधान क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि अमेरिका के पास भी इतनी पावर है कि वो यूरेनियम को संवर्धित कर उससे ऊर्जा पैदा कर सके। अमेरिका ने यूरेनियम का संवर्धन और उत्पादन पूरी तरह से बंद कर रखा है, बल्कि इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया गया। एक्सपर्ट्स की राय में अमेरिका और यूरोप को यूरेनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर होने में 1 साल का समय लग सकता है। खास बात ये कि अमेरिका और यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 1 दर्जन देश अपनी आधे से अधिक ऊर्जा कंपनियों के संचालन में यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर है। रूस की परमाणु एजेंसी यूक्रेन ने सेपरिजिया परमाणु संयंत्र की कमान भी संभालती है। लिहाजा कहीं कोई दूर दूर तक चांस नहीं है कि अमेरिका रूस से ईंधन खरीदना तत्काल बंद कर दे, और ये काम अगर पुतिन करते हैं तो रूस को रूबल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और युद्ध में ये अच्छा खासा चलता ईंधन का बाजार औंधे मुंह गिर जाएगा। तो पुतिन भी भले ही अमेरिका को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकी देते रहे हों, परमाणु ईंधन की सप्लाई को कतई बंद नहीं करने वाले। लेकिन सवाल तो अमेरिका का है, उसने इस ईंधन आयात पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? रूस के हमला करने के 1 साल बाद भी बाइडेन प्रशासन के पास इस निर्भरता को खत्म करने की कोई योजना नहीं है। इसकी वजह से अमेरिका की कई ऊर्जा कंपनियों को देरी और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बाइडेन मजबूर हैं, और इस मजबूरी की कीमत है 8,000 करोड़ रुपए, और ऊपर से आलम यह है कि ये पैसे पुतिन के खाते में जाने से बाइडेन भी नहीं रोक सकते। युद्ध के मैदान में पैट्रियट भी ध्वस्त होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों की दहाड़ भी ज़ेलेंस्की को नहीं डरा पाएंगे, ये कहने का आधार समझिए। अमेरिका की कंपनी जेरा पावर को बिल गेट्स ने स्थापित किया था, लेकिन 2 साल तक इसका उद्घाटन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसने रूस के समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया था। टेरा पावर ने कोयला संयंत्र के सभी मजदूरों के लिए नौकरियों का वादा कर रखा है, लेकिन देरी के चलते कंपनी पटरी पर नहीं आ रही है। शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका और रूस के पास यूरेनियम संवर्धन क्षमता करीब करीब 1 समान थी, लेकिन उत्पादन की लागत में भारी अंतर था, जिसके बाद साल 1993 में वाशिंगटन और मॉस्को ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते को मेगाटन टू मेगाटन नाम दिया गया, जिसके तहत अमेरिका ने रूस के यूरेनियम की भारी भरकम खरीद की। मेगाटन टू मेगाटन समझौते के मुताबिक अमेरिका को सस्ता ईंधन मिला और मॉस्को को नकदी। अमेरिका में सालों तक यही कारोबार चला। अमेरिका के किसी भी सरकार ने यूरेनियम को लेकर आत्मनिर्भरता की कोई प्लानिंग नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका रूस से ही परमाणु ईंधन खरीदता रहा। रूस ईंधन का खजाना है दुनिया के किसी भी देश के लिए। तेल, गैस, परमाणु ईंधन रूस प्राकृतिक संसाधनों से और इसे संवर्धित कर ऊर्जा में तब्दील करने की अपनी ताकत से संपन्न है, और अमेरिका अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद परमाणु ईंधन के लिए रूस पर निर्भर है, जबकि उसके पास भी प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं। ताकत जुटाने की यही कला युद्ध के मैदान में भी प्रदर्शित हो रहा है। युद्ध और कारोबार साथ साथ चल रहा है।
सवाल यह है कि ये कब तक चलेगा, इसे समझने के लिए आपको टेरा पावर नाम की चीज से परिचित होना होगा। टेरा पावर बिजली क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन को स्टेप बाय स्टेप खत्म करने की कोशिश करता है। अनुमान है कि अमेरिका को परमाणु ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने से अधिक की जरूरत है। अमेरिकी रक्षा विभाग खास तौर पर टेरा पावर जैसे संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। इस संबंध में एक मसौदा भी जारी किया गया है। यह मसौदा अमेरिका की रूस पर निर्भरता को रोकने के लिए एक अहम कदम है। लेकिन इस कदम के मंजिल तक पहुंचने में अभी लंबा वक्त लगेगा और तब तक रूस का एकमात्र परमाणु ईंधन सप्लाई ही सहारा है। हालांकि दुनिया भर के जानकार ये भी मानते हैं कि अमेरिका के टेरा पावर जैसे संयंत्रों को फ्रांस जैसे मुल्क के संयंत्रों की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के लिए रूस की तुलना में फ्रांस राजनीतिक रूप से ज्यादा व्यवहारिक और विश्वसनीय भी है। लेकिन बाइडेन का ध्यान इधर नहीं है, क्योंकि 8000 करोड़ रुपए जो रूस को मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अमेरिका को अहम की लड़ाई जीतना। वो यूक्रेन में लड़ रहा है।